खबर से आपको अपडेट करते चलें। और ये खबर है ईद उल फितर के चांद के हवाले से। पाकिस्तानियों की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने का वक्त आन पहुंचा है और रोयत हिलाल कमेटी की जानब से ईद उल फितर के चांद का हतमी फैसला सुना दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल सऊदी अरब में सऊदी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब किया गया था और वहाँ पर चांद तलाश करने के बावजूद भी नज़र नहीं आया था, इसलिए सऊदी अरब में 30 रोज़े पूरे किए गए हैं। आज और कल 2 मई को सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाने का ऐलान हो चुका है। लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी कौम की इस वक्त नज़रें रोयत हिलाल कमेटी के इजलास पर जमी हुई हैं कि रोयत हिलाल कमेटी क्या फैसला सुनाती है। आया ईद उल फितर कल 2 मई को हो जाएगी या 3 मई को, इस वाले से रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी और सारी है। कुछ देर तक इजलास इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, जैसे ही कोई हतमी फैसला सामने आएगा तो उससे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा।